ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर, ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है, ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले, जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। इस वक्त दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है, जिसमें आपकी मदद चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। लेकिन सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। एक एस्टिमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है, मेरे फोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फ़ोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? सर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है, बहुत सही समय पे ये मीटिंग बुलाई है। पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए, तो मैं फ़ोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं?